भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। हाँ तो ये सब सम्मत के साथ जीत लेंगे। बोल तो ऐसे रही हो रमा जैसे भीम कभी किसी से हारेगा नहीं। नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे पति हारता है ना, हर रोज हारता है, सुबह शाम हारता है अपनी यहीं से। कहाँ है? वो तो कब से तैयार होकर पढ़ने बैठे थे, पढ़ते पढ़ते सो गए। रात में बहुत देर तक पढ़ रहे थे तो अभी आग लग गई होगी। मैं अंदर जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल जाइए। आप ऐसा क्यों पूछ रहे? क्यों ढूंढ रहे हो भीम को? उनके बड़े भाई है तो छोटे भाई को तो ढूंढ सकते हैं ना। वो तुमसे पूछा? पता है ना, भीम के संपर्क में जो भी आता है अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। अच्छा खासा जी रहे थे, क्यों आए फिर से? क्या क्या कहा आपने? सुनाई नहीं दिया? तो काम करो अपना। नहीं, अभी जो कहा दोबारा मत कहिएगा, और अगर कहिएगा अकेले में जाकर कही, क्योंकि मैं अपने पति के बारे में ये सब नहीं सुन सकती। नहीं सुन सकती तो कान बंद कर लो। आई मैं मजाक नहीं कर रही, सास बहू के बीच में लाखों मतभेद होते हैं, रूठना मनाना झगड़े सब होता है, लेकिन फिर भी रिश्ते रहते हैं, क्योंकि उन दोनों के जीवन का महत्वपूर्ण व्यक्ति एक ही होता है। लेकिन हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए तो मेरे पति मायने ही नहीं रखते, इसलिए आगे से अगर आप उनके बारे में कुछ भी कहेंगे तो मैं जवाब देते समय यह याद नहीं रखूंगी कि आप मेरी सास है। और आई मैं अपने पति की कसम खाकर कहती हूं, मैं मर्यादा तोड़ना नहीं चाहती हूं। बाला भैया अब जाइए। बचपन से ऐसा ही है, किताबों के बीच में ही सोता है। बाला भैया आप यहाँ? हाँ। कायदे से तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, ये समस्या मुझे बतानी चाहिए थी, लेकिन शायद तुम भी अपने बड़े भाई को इस काबिल नहीं समझते। ऐसी कोई बात नहीं है भैया। छोड़ो, अब काम की बात सुनो। तुमने तो बताया नहीं, लेकिन मुझे सुबह सुबह पता चला है कि वो अंग्रेज अधिकारी आज सुबह ही अदालत में केस दाखिल करेगा और उसकी सुनवाई भी आज ही होगी। क्या? हाँ, और अगर तुम्हारे पक्ष से लड़ने के लिए वहां कोई वकील मौजूद नहीं होगा तो वो लोग आसानी से केस जीत जाएंगे, इसीलिए मैंने एक सरकारी वकील से तुम्हारे लिए बात की है, तो तुम चलो और उनसे मिलो। हाँ।
चलिए। भीम, भीम मैं, तुम यहां? बाबा, भीम बेटा, आज तुम्हारे कॉलेज में अदालत लगेगी, लेकिन अभी तक तुम्हारे पास कोई वकील नहीं है, तो फिर कैसे लड़ोगे केस? चल पहले वकील को ढूंढते हैं। नहीं बाबा, वकील मिल गया है। कैसे? बाला भैया ने एक वकील ढूंढा है मेरे लिए। अब वो लोग कॉलेज में ही अदालत लगाना चाहते हैं, तो वहीं से। भीम, बचपन में स्कूल बंद होने पर हम भाई मिलकर उसे खुलवाने की लड़ाई कई बार लड़ चुके हैं, उसका अनुभव तो हमारे पास है ही। क्या आग यहीं जलते रहेगी? इस ज्वाला का जलते रहना हमारी बिरादरी की आस का जिंदा रहना है। इस बार फिर एक लड़ाई लड़ते, इस बार स्कूल नहीं कॉलेज खुलवाते। चल सर, आप यहाँ? भीम, आज ऑफिस मत आना। तुम्हारे कॉलेज का एक विद्यार्थी और मेरे मित्र में कुछ हो गया। कॉलेज के परिसर में ही अदालत लगी हुई है, मैं वहीं सुनवाई के लिए जा रहा हूँ। स्टीफन मेरे बहुत पुराने दोस्त है। दोस्त क्या, इनके बहुत एहसान है मुझ पर। जब मैंने वकालत शुरू की थी तब बहुत मदद की थी इन्होंने। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? एक लड़के के खिलाफ तुमको मजबूती के साथ केस लड़ने की तैयारी करनी होगी। ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तो कोई भी केस लड़ सकता हूँ। जी। लो, वकील साहब को सब कुछ पता चल गया और वो खुद ही भीमबाव के समर्थन में आ गए। अब भीमबाव को कोई नहीं हरा सकता। अंदाजा गलत निकला तुम दोनों का। अब यही वकील भीम के खिलाफ भी लड़ेगा और उसे हराएगा भी। वैसे भीम, तुम्हारे कॉलेज में अभी पढ़ाई तो हो नहीं रही है, अदालत भी कॉलेज में ही लगी है, तुम मेरे साथ चल सकते हो, कार्रवाई भी देख लेना। नहीं वकील साहब, हम दोनों भाई किसी और काम से जा रहे हैं, आप जाइए। ठीक है। चल भी। रमा, आज भीमभाव के कॉलेज में उनके केस की सुनवाई है और हम काम पर जा रहे हैं। हाँ दीदी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन हम उनकी कुछ मदद भी तो नहीं कर सकते। नहीं रमा, हाँ भले हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, पर कम से कम उनका साथ तो दे सकते हैं ना। चल कॉलेज चलते हैं। दीदी, हमें काम पर भी तो जाना है। अरे रमा, आज नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दीदी, वो हमेशा कहता है कि व्यक्ति में अपने काम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। मुझे लगता है क्या हमें काम पर जाना चाहिए। मामा, हमें हमारे काम के प्रति निष्ठा है, हम कोई बहाना थोड़ी बना रहे हैं या फिर झूठ मूठ का नाटक थोड़ी कर रहे छुट्टी लेने के लिए, बल्कि उससे भी जरूरी बात के लिए हम काम पर ना जाने की सोच रहे हैं बस। मामा, अब तू ज्यादा सोच मत, भीमबाव को आज तेरी जरूरत होगी ना। चल कॉलेज चल। ठीक है, चल।
जी सर भाई, मैं काम ढूंढने जा रहा हूं। जी जा भाई, मुझे भी थोड़ी बेचैनी लग रही है, मैं थोड़ा टहल कर आती हूं। नटवर, नटवर! अरे अम्मा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? सुन, मैं बाजार जा रही हूं, थोड़ी आने में देरी हो जाएगी, खाना बना के रखा है तो जाके निकाल के खा लेना। ठीक है। दलिया अम्मा। हाँ? हमाऊ को बाजार में कुछ काम है तो हमाऊ तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ? चल चलो। दलिया अम्मा, दलिया अम्मा, मैं भी चलता हूँ। चल चल, आवत है। हाँ? चल। सब नाटक है, कोई बाजार वाजार नहीं जा रहे, सब जा रहे हैं भीम के कॉलेज में क्या हो रहा है वो देखने के लिए। सही कह रहे हो हितेश बाबू। फिर यहाँ बैठे से क्या होएगा हैं? चलो हम लोग चला था ना। अरे देखें तो सही कि भीम अपने वकील सर के सामने कैसा नारद है। हाँ हाँ, चलो चल के मजे लेते हैं। चलो चलो। नंदू, ये लो। भाऊ, मुझे क्या लग रहा है, हम लोगों को भी चलना चाहिए। सही कह रहे हो, चलो। हाँ हाँ, चलते हैं। ऐसी बात है तो मुझे भी जाना चाहिए, ये देखने के लिए कि भीम इस बार कौन सी नौटंकी करता है। जज साहब, मुझे लगता है जिस उपद्रवी छात्र ने सरकारी अधिकारी को कार्रवाई करने से रोका वो समझ गया है यहाँ पे उसकी सुनी नहीं जाएगी, उसका पक्ष मजबूत नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ नहीं आएगा। तो मेरा अनुरोध है इस केस की कार्रवाई खत्म की जाए। जब तक ये अधिकारी अपना पूरा काम खत्म नहीं कर लेते तब तक कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए जाए। रुक जाइए जज साहब, वे लोग आ गए। देर से आने के लिए माफी चाहते हैं सर। वे थोड़ा परेशान हूं, आपकी मदद चाहिए, एक अंग्रेजी अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? एक केस है जो तुमको मेरे लिए लड़ना है। उस छात्र का नाम क्या है? नाम से नहीं पुकारेंगे उसको, उपद्रवी कह के पुकारेंगे तो जज पर इसका दूसरा प्रभाव पड़ेगा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो उपद्रवी छात्र भीमराव है? बता सकता था, बट जब भीम को मैंने तुम्हारे ऑफिस में देखा और देखा कि तुम उसका प्रेस है, प्रेस किए जा रहा है, तो मुझको लगा कि नहीं बताना चाहिए। मुझको लगा कहीं तुम उसका नाम सुनकर उसके खिलाफ केस लड़ने से मना ना कर दो। That was the main reason। आपने मुझे धोखा दिया है, मैं ये केस अभी छोड़ सकता हूँ। नहीं सर, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन भीमराव, काम से जुनून की हद तक जुड़े रहना आप ही से सीखा है मैंने। ईमानदारी और प्रतिबद्धता सामान्य व्यक्ति को भी खास बना देती है, ये भी आप ही से सीखा है। और आपने ही कई दफा कहा है सर, अदालत में मुवक्किल के लिए उसका वकील भरोसा होता है। ये अंग्रेजी अधिकारी साहब आपके भरोसे पर यहां आकर बैठे हैं, इनका भरोसा मत तोड़िए सर। आज मुझे अपना शिष्य नहीं बस एक विपक्षी समझिए और लड़िए केस।
अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। जब आप सब ने मिलकर टॉयलेट को अदालत बना दिया तो फिर हम भी आ गए इस अदालत में फैसला सुनने। और हम आज अदालत से यह दरख्वास्त करेंगे कि इस भीमराव को सजा दी जाए कि ये बार बार अदालत पहुंच जाता है, हमारे मोहल्ले में रहता है, हमें भी शर्मिंदा होना पड़ता है। हाँ हितेश, हम सब अच्छे से जानते हैं तुझमें कितनी शर्म है। दलिया अम्मा, भीमराव तो तुम्हारा नायक है ना, लेकिन आज देखना कि तुम्हारा नायक कैसे हारता है और कैसे सजा पाता। हारे भीम के दुश्मन, भीमराव तो जीतेगा। सजा तो बहुत दूर दूर की बात है। ऑर्डर ऑर्डर, शांत रहिए। जीत हार का फैसला अदालत करेगी, वो भी कार्यवाही पूरी होने के बाद। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए, पहले आप अपनी दलील रखिए। जज साहब, केस बस इतना सा है, हमारे मुवक्किल प्रशासन संभालते हैं, और इन्हें लगता है कि ये कॉलेज बंद रखे तो जो उपद्रव इस कॉलेज से शुरू हुआ है उसे संभाला जा सकता है, और यह बहुत वांछित है कि हम सबको प्रशासन की मदद करनी चाहिए, इस कॉलेज को भी और कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को भी। दैट्स ऑल योर ऑनर। विपक्ष अपनी दलील पेश करे। थैंक यू योर ऑनर। ये छानबीन तो कॉलेज के चलते हुए भी की जा सकती है, इसके लिए कॉलेज बंद करने की, पढ़ाई रोकने की क्या जरूरत है? हो सकता है कुछ छात्रों को इससे कोई फर्क न पड़ता हो, लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें इससे फर्क पड़ता है। भीमराव, इन्हें छात्रवृत्ति मिलती है और ये पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनना चाहते हैं। मेरे साथी वकील से पूछ लीजिए कि भीमराव उनके यहां सहायक की नौकरी करते हैं या नहीं। जज साहब, भीमराव जैसे स्टूडेंट जिनके लिए पढ़ाई उनके सांसों की तरह है, उनकी पढ़ाई रोकना उनकी सांस रोकने जैसा होगा, और इससे ऐसे विद्यार्थी की मौत हर रोज होगी। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन, आप और हम। और इसीलिए हम दरखास्त करते हैं कि कॉलेज जारी रखा जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। साहब, डेढ़ साल पहले एक दंगा हुआ था, शहर बंद कर दिया गया, एक महीने के बाद शहर खुला, और इस एक महीने में करीब 150 लोग मर गए। सरकारी रिपोर्ट है, क्योंकि शहर बंद था उन्हें काम नहीं मिला। तो क्या शहर बंद करना गलत था? और अगर गलत था वही बात नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है ये सही था। सही इसलिए था क्योंकि शहर बंद रहने से भले ही 150 लोग मर गए, लेकिन शहर मरने से बच गया। उसी तरह संभव है कि कॉलेज खुला रहने से प्रशासन की हालत बिगड़ सकती है, इसलिए वो ये कह रहे हैं। और ये हमेशा के लिए नहीं कह रहे, बस कुछ दिनों की तो बात है, और कुछ दिनों के लिए सब कुछ अपने नियंत्रण में एक अधिकारी तो कर ही सकता है। सरकारी वकील के पास और कोई दलील हो तो बताएं।
नो सर, थैंक यू।